Hello everyone, I am Dr. Naveen Alawadi. I am MD pulmonologist and respiratory physician. आज मैं आपको COPD के बारे में बताऊंगा. COPD को हम बोलते हैं chronic obstructive pulmonary disease. तो chronic obstructive pulmonary disease में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये chronic disease होती है. chronic disease मतलब कई years से या पिछले कई महीनों से patient को सांस फूलना या खांसी का problem होता है, और ये एक कॉमन डिजीज है जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज है वर्ल्ड वाइड. एंड दिस इज द फोर्थ मेजर किलर वर्ल्ड वाइड आफ्टर 2024. तो ये एक बहुत कॉमन डिजीज है और ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है. इसको हम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक बार हो जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग तक पेशेंट के साथ में रहती है. इसे हम काला दमा या फिर सीओपीडी या फिर ब्लैक अस्थमा के नाम से भी जानते हैं. वो क्योंकि बहुत कॉमन है, प्रिवेंटेबल क्योंकि हम इसको होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. लेकिन अगर एक बार ये हो जाए तो इसका कंप्लीट क्योर हम नहीं कर सकते, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज. हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. यानी कि हम पेशेंट को दवाइयां दें तो पेशेंट को जो उसकी सांस फूलती है और जो खांसी होती है वो कम होगी उससे, दवाइयों के माध्यम से. तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं लेकिन हम उसको क्योर नहीं कर सकते. कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये हमारे लंग के एयरवे होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है. तो जो इसकी वॉल होती है ब्रोंकस की, उसकी इस बीमारी में थिकनिंग हो जाती है. ये ब्रोंकस मोटे हो जाते हैं वॉल की, और जो ये जो हवा का पैसेज है जो आप देख सकते हैं ये नैरो हो जाता है. तो ये कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. इरिवर्सिबल मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन पूरी तरीके से रिवर्स नहीं हो सकता और परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है. इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट इज फीलिंग कॉफ एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी आर द मेन सिम्टम्स एंड दैट इज ड्यू टू द नॉक्सियस पार्टिकल एंड गैसेस. तो नॉक्सियस पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स या जो पोल्यूशन होता है या स्मोकिंग होती है जिसमें निकोटीन होती है वो इसको करते हैं. और बायोमास फ्यूल एक्सपोजर भी एक मुख्य कारण है सीओपीडी के होने का. जो गांव में जो फीमेल्स होती हैं वो वुड स्मोकिंग करती हैं, लकड़ी जलाते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से भी ये सीओपीडी होता है, जो कि सीओपीडी होने का मुख्य कारण है. अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी है तो उसको सांस फूलने का लक्षण और खांसी ये लंबे समय से देखने को मिलता है कि पेशेंट का सांस फूल रहा है लगातार, खांसी हो रही है, या पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस हो सकती है जिसे हम छाती में जकड़न कहते हैं, या छाती से सीटी जैसी आवाजें, जैसे विस्लिंग साउंड्स होती हैं जो कि ये ब्रोंकस के बंद होने की वजह से सिटी जैसी आवाजें आती हैं, क्योंकि हवा जब यहाँ से नैरो पैसेज से पास होती है तो एक विसल की साउंड करती है. इसके अलावा क्रोनिक स्पुटम प्रोडक्शन या बलगम पैदा होना, ये भी इसमें सीओपीडी में देखने को मिलता है. तो ये मैंने आपको बताया इसके लक्षण. और इसके रिस्क फैक्टर, जो मेन रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग जो एंड बायोमास फ्यूल एक्सपोजर. स्मोकिंग ज्यादातर पेशेंट में 90% पेशेंट में स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होता है, और इसके बाद बायोमास फ्यूल एक्सपोजर या पोल्यूशन भी एक सीओपीडी का मुख्य कारण है. इसके अलावा जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, जो बचपन से प्री मैच्योर होते हैं, जिनका लंग का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता, या एक अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी में भी देखने को सीओपीडी मिलता है. तो ये मैंने आपको बताया सीओपीडी होने के मुख्य कारण. जो सीओपीडी होती है वो उसे हम बोलते हैं ब्लैक अस्थमा या काला दमा. और जो अस्थमा होता है वो नॉर्मल अस्थमा, जो हम लोग लेमन टर्म में बोलते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या दमा है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होता है. तो अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो ये जनरली यंग पेशेंट में देखने को मिलता है, और जो सीओपीडी है वो ओल्ड एज में या एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को. जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाक का बहना, छींकों का आना, गला बार बार खराब होना, या आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, या स्किन रेड हो जाना, या मौसम बदलने पर बार बार खांसी जुकाम होना. ये एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो जनरली सीओपीडी में अब्सेंट होते हैं. इसके अलावा जो एज होती है, एज मोर देन 60 होती है जो सीओपीडी पेशेंट में जनरली देखने को मिलती है, और अस्थमा यंग पॉपुलेशन में या 10 साल 20 साल या 30 या 40 साल तक भी अस्थमा देखने को मिलता है. इसके अलावा जो डिफरेंस है वो है कि एक्सरे जनरली नॉर्मल रहता है अस्थमा में, और एक्सरे एलोंगेटेड मिलते हैं या हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिल सकते हैं सीओपीडी पेशेंट में,
और पीएफटी के माध्यम से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या सीओपीडी है, क्योंकि जब हम इनहेलर देकर के दोबारा पीएफटी करते हैं तो उसमें रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है अस्थमा में, और सीओपीडी में रिवर्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो इन चीजों के माध्यम से जो कि एक डॉक्टर जानते हैं कि पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है और सीओपीडी है। और जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि पेशेंट को आम दवाइयों से जनरली अस्थमा में आराम पड़ जाता है, जैसे कि इनहेलर लिए या स्टेरॉइड की गोली ली तो पूरी तरीके से आराम आ जाता है, लेकिन सीओपीडी पेशेंट में आराम तो आता है लेकिन जनरली पूरा आराम नहीं आता, और जो दिक्कत होती है काफी लंबे समय से चल रही होती है और दवाइयां लेने पे पूरा आराम नहीं आता, क्योंकि अस्थमा में जो हिस्ट्री होती है वो काफी शॉर्ट होती है और दवाई लेने से बहुत ज्यादा आराम भी कभी कभी पेशेंट को आ जाता है, और कुछ पेशेंट को सीजनल अस्थमा होता है जो बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। सीओपीडी के जो कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, पहला मेन जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग या धूम्रपान की आदत। तो ज्यादातर पेशेंट में स्मोकिंग ही मेन रीजन होता है सीओपीडी होने का। इसके अलावा जो लक्षण मिलते हैं वो होते हैं पोल्यूशन का एक्सपोजर, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरीके के हानिकारक मटेरियल्स होते हैं जो कि व्हीकल एग्जॉस्टन, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें निकलते हैं मेट्रो सिटीज में, तो उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये दूसरा कारण होता है। और जो तीसरा कारण इसका होने का होता है बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, जो गांव में लेडीज होती हैं जो कि लकड़ी जलाते हैं या बायोमास फ्यूल के माध्यम से खाना पकाते हैं अपना, तो ये तीसरा कारण होता है। चौथा कारण होता है प्रीमैच्योर डिलीवरीज, जो बिफोर जो डिलीवरी टर्म डिलीवरी होती है उससे पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लंग्स इमैच्योर रह जाते हैं, तो बचपन से उनके लंग वीक होते हैं, ये भी एक मेन कारण है सीओपीडी होने का। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को अस्थमा काफी टाइम से है, काफी सालों से है, 10 साल से या 20 साल से, तो इवेंचुअली सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ब्लैक अस्थमा बोलते हैं। तो अस्थमा भी धीरे धीरे सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी में भी समय से पहले ही सीओपीडी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सीओपीडी है वो एल्डरली पॉपुलेशन की डिजीज है जो कि 60 साल के बाद मिलती है, और कभी कभी ये पहले भी देखने को मिलती है 40 साल में, 50 साल में, और जनरली उन्हीं लोगों में पहले देखने को मिलती है जिनमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अगर किसी पेशेंट को भी सीओपीडी के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेशेंट को तो ये पता नहीं होता कि इसको सीओपीडी है या अस्थमा है, तो जो भी अगर इस तरीके के लक्षण काफी लंबे समय से चल रहे हैं, सांस का फूलना, खांसी होना, खांसी सूखी भी हो सकती है, बलगम वाली भी हो सकती है, इसके अलावा पेशेंट को वेट लॉस, वीकनेस, लिथार्जीनेस, थकावट, इस तरीके के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं जो बलगम बहुत ज्यादा बनाते हैं, और बलगम में क्या होता है कि प्रोटीन लॉस होता है, तो प्रोटीन लॉस होता है तो बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से वीकनेस, लिथार्जीनेस, थकावट, ये सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट फिजिशियन को आप दिखाइए। सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के बेसिस पे आप डाउट हो सकता है कि हाँ इस पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि जब हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो चेस्ट से वीजिंग की साउंड होती है जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, वो आ सकती है, या फिर एयर एंट्री रिड्यूस होती है, जो सांस होती है वो पूरी तरीके से लंग में नहीं भरती, तो एयर एंट्री रिड्यूस देखने को मिल सकती है जो कि एग्जामिनेशन के माध्यम से पता चलता है, या फिर एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि मसल्स होती हैं हमारी गर्दन की होती हैं, कंधे की मसल होती हैं, वो जब पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो वो भी काम कर रही होती है, वो भी देखने को मिल सकती हैं। पेशेंट का एक्सरे करा सकते हैं, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो इलोंगेटेड ज्यादा लंबे दिखाई देते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड यानी कि ज्यादा ब्लैक दिखाई देते हैं, तो एक्सरे के पे देख के भी डॉक्टर को डाउट हो सकता है कि हाँ इसको सीओपीडी है। और फाइनली वो एक पीएफटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि एक कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है लंग की, जिसमें मशीन के अंदर ग्लो करता है पेशेंट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिपोर्ट आती है, जिसको रिपोर्ट को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को सीओपीडी है। और फाइनली अगर डॉक्टर को लगता है तो सीटी स्कैन के माध्यम से भी पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को सीओपीडी है। तो सबसे पहले अगर आपको लक्षण है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर पहचानेंगे कि आपको सीओपीडी है या नहीं, और अगर सीओपीडी आपको है तो अस्थमा से कुछ एक अलग दवाइयां होती हैं जो कि सीओपीडी में दी जाती हैं, जैसे कि अस्थमा में जो मेन ट्रीटमेंट है, जो मेन ट्रीटमेंट हम देते हैं स्टीरोइड की दवाइयां देते हैं, और सीओपीडी में हम जो स्टीरोइड की दवाइयां काफी छोटे समय के लिए देते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं,
लंबे समय के लिए कुछ एक स्पेशल दवाइयां आजकल आई हैं, इन दवाइयों में स्टेरॉइड नहीं होता है, जो कि लोगों में एक बहुत भ्रांति है कि अगर हम सीओपीडी का ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराएंगे तो स्टेरॉइड चला देंगे कई सालों के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ एक दवाइयां आजकल लेटेस्ट आई हैं जो कि 24 घंटे तक इनहेलर काम करते हैं और उनमें स्टेरॉइड भी नहीं होता। अगर आप वो दवाइयां लेंगे तो उनका बीमारी आगे बढ़ने से रुकता है। वैसे तो सीओपीडी में जो मेन अवॉइड करना है, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है क्योंकि स्मोकिंग से सीओपीडी बढ़ता है, और जो आप सीओपीडी की दवाइयां लेते हैं कुछ स्मोकर्स में उनका रोल कम हो जाता है। इसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है वो करना है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और पेशेंट को इन्फेक्शन लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि सीओपीडी पेशेंट में जो फेफड़े हैं वो कमजोर रहते हैं तो बार बार इन्फेक्शन कैच करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो वो जो इन्फेक्शन ज्यादा ना हो और बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे इसके लिए अल्कोहलिज्म बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ एक पेशेंट सीओपीडी और अस्थमा के मिले जुले होते हैं जिसको हम बोलते हैं एकोस, अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम, यानी कि अस्थमा सीओपीडी पेशेंट को साथ में है, तो ऐसे पेशेंट जनरली एलर्जिक सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं जैसे ठंडी चीजों से, खट्टी चीजों से। अगर आपको एकोस है तो ये आपको डॉक्टर बताएंगे आपको अस्थमा है, सीओपीडी है या एकोस। तो अगर आपको एकोस है, अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप है, यानी कि दोनों चीजें हैं, तो कुछ पेशेंट एलर्जी के सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, उनको ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, इस तरीके की चीजें अवॉइड करनी होती हैं। और पेशेंट को एक हेल्दी रूटीन होता है सीओपीडी पेशेंट को, वो अपनाना होता है, जैसे कि मल्टी विटामिन लेने होते हैं, मल्टी मिनरल्स लेने होते हैं, और अपनी मसल की को प्रॉपरली बिल्डअप करके रखना होता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वही सारा लोड लेती हैं हमारे सीओपीडी पेशेंट में। तो जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी पेशेंट को होती है, तो अगर उसकी चेस्ट की मसल, गर्दन की मसल स्ट्रांग है तो पेशेंट को वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी उतनी फील नहीं होती। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि पेशेंट की हम मसल इतनी स्ट्रांग कर दें कि जो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है वो मसल उसको फिर टेक ओवर करती है उस लोड को, तो वो बॉडी पे, लंग्स पे नहीं आता लोड। तो मसल की स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, मिनरल्स लेने हैं, विटामिंस लेने हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे पेशेंट्स में लेना होता है क्योंकि ये लीन एंड थिन होते हैं तो इनको बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट भी लेना होता है और पानी ज्यादा पीना होता है। अगर हार्ट की या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो पानी ज्यादा पीना है, और अपना योगा, प्राणायाम और जो हेल्दी रूटीन है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसको फॉलो आपको करना है। सीओपीडी के प्रिवेंशन में जो मेन चीज है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो ज्यादातर ऐसा होगा कि आपको सीओपीडी नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं या जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है मेट्रो सिटीज में, तो आपको पोल्यूशन से बचना है जितना भी आप बच सके पोल्यूशन से ज्यादा से ज्यादा। अगर पोल्यूशन AQI ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो ऐसे दिनों में जैसे ठंड के दिन होते हैं उसमें मॉर्निंग वॉक्स आपने अवॉइड करनी है ताकि पोल्यूशन का ज्यादा एक्सपोजर ना हो, और स्मोकिंग से बचना है। ये दो मेन आपको है चीजें, अगर आप इनको अपनाएंगे तो सीओपीडी होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी चीज को ना जलाएं, वुड को ना जलाएं, पेपर को ना जलाएं। जो गांव में औरतें हैं, जो गृहणियां हैं, वो लकड़ी में या चूल्हे में खाना ना बनाएं, और अननेसेसरी की चीजों को ना जलाएं क्योंकि उसमें से जो धुआं उठता है वो भी एक सीओपीडी का एक मुख्य कारण होता है। इसके अलावा आप अपने जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को टाइम टू टाइम पे आप दिखाएं ताकि वो प्रीमेच्योर डिलीवरीज को पहचान सकें, और अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है तो कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो लंग की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिससे कि लंग ऐसे बच्चों के मेच्योर नहीं रहते और सीओपीडी आगे चल के नहीं होता। इसके अलावा अगर सीओपीडी के लक्षण आ रहे हैं तो एक अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एंजाइम का टेस्ट होता है ब्लड में, वो भी करा करके आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को प्रीमेच्योर सीओपीडी की होने की संभावना है या फिर नहीं है।